हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो आज की इस क्लास में बात करेंगे हम लोग CMS, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ये जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन है। याद रखिए, जो आपके जंगली जानवर हैं कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक पर्यावरण संधि है CMS। इसे CMS को बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। CMS को बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि पर 1979 में जर्मनी के बॉन सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। 1979 में कन्वेंशन 1 नवंबर 1983 को अस्तित्व में आया। आपका जो कन्वेंशन है 1 नवंबर 1983 को अस्तित्व में आया। अगर हम लोग इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें आपके 130 सदस्य हैं। कितने? 130। 129 देश प्लस यूरोपीय संघ इसमें सम्मिलित है। सबसे नवीनतम है आपका मालदीव गणराज्य। भारत कब इसका सदस्य बना? 1983 में। तो याद रखना, वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन है इसमें सदस्य भारत भी आपका शामिल है। भारत 1983 में शामिल हुआ था। अगर हम लोग CMS के लक्ष्य और कार्यों की बात करें, स्थलीय समुद्री और एवियन प्रजातियों का उनकी संपूर्ण सीमा में संरक्षण करना, यह प्रवासी जंगली जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। यह कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ भी सहयोग करता है। CMS के तहत प्रवासी प्रजातियां दो अपेंडिक्स में सूचीबद्ध हैं। अपेंडिक्स एक ऐसी प्रजातियां जो विलुप्ति के कगार पर हैं या जिनका अस्तित्व संकट में है। फिर अपेंडिक्स दो, वे प्रजातियां जिनकी प्रतिकूल संरक्षण की स्थिति है और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की जरूरत है। CMS के अंतर्गत अब तक 19 अंतर्राष्ट्रीय MOUs और 7 समझौते संपन्न हुए हैं। अगर हम लोग CMS के संगठनात्मक संरचना की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP कन्वेंशन का मुख्य निर्णय लेने वाला निकाय इसमें। प्रत्येक 3 वर्ष पर COP की बैठक होती है। अब तक COP की कुल 12 बैठक संपन्न हो चुके हैं। कितनी? 12। 1985 में पहली बैठक सीओपी बन कॉन्फ्रेंस जर्मनी के बॉन में संपन्न हुई थी, और जो 2020 की ये आपकी COP13 की बैठक गुजरात के गांधीनगर में हुई। कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। तो आपको याद रखिए, अब आपकी अगर 2020 के लास्ट तक क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपकी 13 हो गई हैं। और 13वीं कहाँ हुई है? इसने भारत ने इसका प्रतिनिधित्व किया है और ये गुजरात के गांधीनगर में हुई है आपकी, याद रखना। स्टैंडिंग कमेटी STC नीतिगत और मार्गदर्शन करता है इसके लिए। साइंटिफिक काउंसिल वैज्ञानिक सलाह देना इसका काम है। अनुसंधान और संरक्षण प्राथमिकताओं की पहचान भी करना साइंटिफिक काउंसिल का कार्य है। तो ये था आपका CMS।
कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए। ठीक, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के बारे में।